हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश पढ़ लिए थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिए थे, परावर्तन के रूल पढ़ लिए थे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास आप लोगों के सामने लेके आए हैं, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में आप लोगों को क्या क्या सीखने के मिलेगा हम बता देते हैं। आज की क्लास में आपको गोली दर्पण पढ़ना होगा, उसके साथ साथ गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, फिर इसी में आपको पढ़ाया जाएगा गोली दर्पण से संबंधित कुछ पद या कुछ परिभाषाएँ आपको बताई जाएंगी, फिर आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। ये जो टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, अगर आप डियर स्टूडेंट अगर चिन्ह परिपाटी आपके क्लियर हो जाते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं उसमें आपको लगाने में कहीं भी समस्याएं नहीं आएंगी। फिर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है उनके बारे में जानेंगे, दर्पण का सूत्र जानेंगे, साथ साथ में रेखीय आवर्धन जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आप लोग सीखोगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, आप लोगों के टाइम को नुकसान न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम समझते हैं आखिर गोली दर्पण क्या होता है। तो हम लोग क्या बना लेते हैं, सबसे पहली हेडिंग को हम समझाते हैं भैया, गोली दर्पण क्या होता है। तो दर्पण, इससे पिछले वाले क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या बताया था डियर स्टूडेंट, हमने दर्पण के बारे में आपको बताया होगा कि एक ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं, जिसके एक पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक गोली दर्पण, एक समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने बताया है पिछले वाले क्लास में, तो जाके आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग जानेंगे गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक हो गया उत्तल दर्पण, एक हो गया अवतल दर्पण, एक हो गए उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल दर्पण। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, गोली दर्पण। प्रश्न उठता है सर कि गोली दर्पण होता क्या है। गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोला होता है, वो क्या कहलाते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। क्या हमने बताया, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोला होता है, जिसका जिससे प्रकाश टकराती है और प्रकाश टकराने के बाद लौट जाए तो वो क्या कहलाते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। जैसे आप लोग पुराने जो बुलेट आते थे, बुलेट में जो है जो दर्पण लगाए जाते थे, उनके जो परावर्तक पृष्ठ रहते थे वो क्या रहते थे, गोली रहते थे, क्योंकि उनसे प्रकाश किरण टकराती थी और प्रकाश किरण टकराने के पश्चात तुरंत उनका क्या हो जाता था, वापस लौट जाती थी। तो ये आपकी क्या कहलाती थी, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो हम गोली दर्पण के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, अब आ जाते हैं, हमने आपको बता रखा है गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये भी गोली दर्पण होते हैं, ये भी गोली दर्पण होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण क्या होता है, एक ऐसा गोली दर्पण, फिर से, एक ऐसा गोली दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, उभरा होता है। क्या होता है, उभरा होता है। हमने क्या बताया कि एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हो, जिसमें कुबर निकले हो। प्यारे बच्चों, ऐसे आप समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम अपने हाथ को इस प्रकार कर दे, इस प्रकार घुमा के कर दे कि जो ये इसमें क्या निकल जाए, ये कुबर निकल जाए, क्या निकल जाए, कुबर निकल जाए, तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, गोली दर्पण हो जाएगा। और ये जो होंगे आपके क्या हो जाएंगे, इसको पॉलिश कर दिया जाएगा। अर्थात अगर
किसी भी कांच को, किसी भी सवांगी पारदर्शी माध्यम को, किसी भी गोली दर्पण को अगर हम लोग अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं बेटा, अंदर की तरफ पेंट कर देते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। एक बार प्यारे बच्चों फिर से समझिएगा, उत्तल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा गोली दर्पण जिसको हम लोग अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं और तथा बाहर की तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तब ध्यान से समझिएगा, अब इनसे क्या होती है कि इनसे जो प्रकाश का परावर्तन होता है इनके बाहरी पृष्ठ से होता है, उभरे हुए भाग से होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक ऐसा गोली दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ हो वो क्या हो? उभरा हो या अंदर की तरफ पॉलिश किया गया हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जस्ट इसका उल्टा, इसका विपरीत क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। प्यारे बच्चों अवतल दर्पण क्या होते हैं? जो कि बाहर की तरफ पॉलिश किए गए रहते हैं, जो कि बाहर की तरफ पेंट किया गया रहता है, वो क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। या जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? धसा हो या अंदर की तरफ झुका हो। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों? कि एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की तरफ धसा हो और जो वो बाहर की तरफ क्या किया गया हो? पेंट किया गया हो, बाहर की तरफ पॉलिश किया गया हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों अगर आपको दूसरे शब्दों में डिफिनेशन बताना है तो आप क्या बता सकते हो? चलिए आइए समझाते हैं। क्या? कि ऐसे दर्पण जिस दर्पण से प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले भाग से होता है या हम कहते झुके हुए भाग से होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। और ऐसे दर्पण जिनसे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों तो हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख देंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो या अंदर की तरफ कलई किया गया हो उत्तल दर्पण कहलाता है। प्यारे बच्चों और आप क्या बता सकते हो? ऐसा दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे भाग से हो, वो भी आपका क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। प्यारे बच्चों अवतल दर्पण की डिफिनीशन कैसे लिख सकते हो? ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो तथा या बाहर की तरफ पॉलिश किया गया हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ये होते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो अब हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग में, अगले टॉपिक को समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले। जैसा कि हम आपको बता के रखे हैं कि इस चैप्टर में आपको किनके बारे में पढ़ना है, तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, तो उससे पहले हमने कहा था कि इसी में आपको एक टॉपिक और पढ़ना है, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं। प्यारे बच्चों इनसे ये जो कुछ परिभाषाएं हैं, छोटे छोटे जो परिभाषाएं हैं, वो आपके बोर्ड के दृष्टि से इतनी ज़रूरी है कि कहने वाली बात नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, हेडिंग बनाते हैं।
गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्यारे बच्चों, चलिए अब हेडिंग बन गई है। आइए हम लोग जानते हैं कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के ध्रुव क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव जिसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। पोल मतलब होता है दर्पण का ध्रुव, तो हम लोग इससे किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, पी से व्यक्त करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, या अवतल दर्पण का ध्रुव क्या होता है, और उत्तल दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बनाया होगा कि एक ऐसा दर्पण जो अंदर की तरफ पॉलिश किया जाता है वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और एक ऐसा दर्पण जो बाहर की तरफ पॉलिश किया जाता है वो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, अब बात आती है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, ये परावर्तक पृष्ठ होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बता के रखा है कि ये जो जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा के वापस लौटता है वो कौन सा पृष्ठ कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ये आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ये बात समझ लेनी चाहिए बच्चों कि क्या मैंने बताया, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ये लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। लिख लीजिए बच्चे, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम लोग पी से व्यक्त करते हैं। लिख लिए बच्चे, ठीक। अब आपकी इसी में अगली हेडिंग आती है, दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, दर्पण का वक्रता केंद्र को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। तो एक हम लोग जो है खोखला गोला ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक खोखला गोला ले लेते हैं। ठीक, एक खोखला गोला ले लेते हैं। अब क्या होता है, इस खोखले गोले का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं। ये हमने मान लिया सी। अब क्या होता है, अब हम लोगों ने क्या किया कि किसी खोखले गोले को हम लोगों ने क्या कर लिया, काट लिया। क्या कर लिया, किसी खोखले गोले को दोनों तरफ से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो एक किसी खोखले गोले को काटने के बाद एक भाग को हम लोगों ने क्या कर दिया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझिएगा, आपने इसको काट लिया खोखले गोले को, और इसको आप लोगों ने क्या कर दिया, बाहर की तरफ क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और इस प्यारे बच्चों जो इधर वाले भाग आपने काटे थे, इसको हम लोगों ने अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। हम लोग बता रहे थे वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। तो हमने बताया कि देखिए हमने क्या किया कि एक खोखला गोला लिया और उसको हम लोगों ने काट लिया। क्या किया, काट लिए, काट कर दो भाग कर लिए। एक भाग को हमने अवतल दर्पण बना दिए, एक भाग को उत्तल दर्पण बना दिए। अब देखो कैसे बताओगे कि ये जो अवतल दर्पण है, इस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है। देखिए ये अवतल दर्पण इस खोखले गोले का भाग है, तो इस खोखले गोले का केंद्र ही इस दर्पण का और इस दर्पण का दोनों का वक्रता केंद्र कहलाता है। बच्चों मैंने क्या बताया, समझो कि ये जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जिस गोले को काट कर बनाते हैं, जिस गोले को काट कर बनाया गया होता है, उसी गोले का, उसी खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। बच्चों ये हेडिंग क्लियर हो गई। हमने क्या बताया, आपका अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाते हो, उसी खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लीजिएगा,
क्या लिखेंगे? हमने क्या बताया बच्चों? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, या जिस खोखले गोले का बना होता है, खोखले गोले का बना होता है, उसी गोले का केंद्र ही, उसी गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम लोग सी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? सी से व्यक्त करते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसी में आपकी अगली हेडिंग आ जाती है, वक्रता त्रिज्या। क्या प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या। तो समझिएगा, वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? आर से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आपने अभी यही पढ़ा था कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, पी और सी को मिलाने वाली रेखा, पी और सी को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो पी आपका क्या है? ध्रुव है। सी क्या है? आपका वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और समझा दिया जाता है आपको। क्या बताना चाह रहे हैं? वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव यानी पी, दोनों को मिलाने वाली रेखा ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम लोग स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, एक और बता सकते हो, क्या बता सकते हो? कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, उसी खोखले गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया? कि आपका गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, उसी खोखले गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और क्या हमने बताया? कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, तो लिख देते हैं, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। प्यारे बच्चों, हम अगली हेडिंग बनाते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो चलिए आपकी मुख्य अक्ष को भी बारे में जान लेते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष, ठीक समझिएगा जरा सा, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो हमें क्या, अभी इतनी देर तक हम लोगों ने बनाया था, एक हम लोगों ने खोखला गोला लिया था। क्या लिए थे? इससे पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने एक खोखला गोला लिया था। इस खोखले गोले को काट कर हम लोगों ने एक को क्या कर दिया था? बाहर की तरफ कलई कर दिए थे। और इस खोखले गोले को काट कर अंदर, इसको हम लोगों ने किधर तरफ कलई कर दिए थे? अंदर की तरफ कलई कर दिए थे। यहीं कहीं इसका क्या होता था? ध्रुव होता था। और यहीं कहीं क्या होता था इसका? यहाँ कहीं इसका ध्रुव होता था। एक बार आपको इसको फिर से बना देते हैं जरा सा। ये आपने क्या बनाया था? इसे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण कहे थे। ये आपका अवतल दर्पण था। ये क्या था? ध्रुव था। ये क्या था? ध्रुव था। यहीं कहीं इसका क्या होता था? वक्रता केंद्र होता था। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती थी? वक्रता त्रिज्या कहलाती थी। अगर हम लोगों ने क्या किया कि मुख्य अक्ष को परिभाषित करना है, तो इनको हम लोगों ने क्या किया कि इनको आगे की तरफ और इनको इधर की तरफ बढ़ा दिए। तो ऐसे बताया जा सकता है प्यारे बच्चों कि वह रेखा जिस पर वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों स्थित होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मुख्य अक्ष कहलाते हैं। देखो, यही तो आपकी मुख्य अक्ष कहला रही है, x और x डैश। तो
वह रेखा जिस पे वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों स्थित होते हैं, दोनों के घर मिलते हैं, दोनों का बसाना होता है, वही क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे? वह रेखा जिस पर वक्रता केंद्र C और ध्रुव P दोनों स्थित होते हैं मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष XX डैश कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके अगली हेडिंग के बारे में जानते हैं, जो कि आपके पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग हम लोग बनाते हैं, दर्पण की मुख्य फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है। आइए दोनों को, एक अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, एक उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, तो दोनों को हम लोग आपको अलग अलग तरीके से समझा देते हैं। एक तरफ क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, और एक तरफ क्या बना देते हैं? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। बना लिए बच्चों? अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है प्यारे बच्चों? जो कि क्या होता है, बाहर की तरफ कलई किया गया रहता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। और यहीं बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और यहीं पर कहीं क्या होता है? सी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता के। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इनको अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा? ये हमारी लाइन क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। चलो अब यहाँ पर भी एक क्या बना लेते हैं, चलिए इसको हम लोग बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण को समझते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर, क्या हमने बताया? मुख्य अक्ष के समांतर, देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर क्या होता है? मुख्य अक्ष ऐसे है, तो जैसे मुख्य अक्ष गई है वैसे ये भी प्रकाश किरणें चल रही है ना प्यारे बच्चों, तो इसलिए हमने क्या कहा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। प्यारे बच्चों एक बार फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं, जब दर्पण से लड़ती हैं, लड़ने के पश्चात या टकराने के बाद वो जिस बिंदु से होकर जाती हैं। अब प्यारे बच्चों आप देखिए, ये जब टकराएंगी तो टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं। प्यारे बच्चों ये हेडिंग क्लियर कर लीजिएगा, आज के पढ़ाने पे नहीं आएगा तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को देखिएगा, एक बार दो बार देखिए, जरूर समझ में आएंगे। हमने क्या बताया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं, टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अभी हम लिख देंगे दोनों मिला के बच्चों, इनको भी और इनको भी, या तो लिखना चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात
जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस यफ कहलाता है। ये हो गए प्यारे बच्चों, अब हमको क्या पढ़ना है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जाना है। तो आइए सब सर्वप्रथम हम लोग क्या बनाते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर की तरफ क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, अंदर की तरफ इसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। क्या हो गया प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण। और हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, जिसपे एक क्या होता है, ध्रुव होता है, और क्या होता है, एक वक्रता केंद्र होता है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये देखिए, जब ये दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के पश्चात ये प्रकाश किरणें इधर की तरफ निकल जाएंगी, पर ये हम लोग अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा लगता है, ध्यान समझिएगा जरा सा, ऐसा लगता है कि ये प्रकाश किरणें, सॉरी थोड़ा सा इनको दूर कीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक, इसी को यहाँ पर करते हैं। अब क्या होता है, जब ये दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात ऐसा लगता है कि किसी एक बिंदु से आ रही हैं, तो वो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से इसको क्लियर कर लीजिएगा, मैंने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं और टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। कहोगे सर कैसे आती, मान लीजिएगा अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से आती हैं, यहाँ से आ रही हैं, पर वास्तव में यहाँ से आती नहीं है। तो ये बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। समझ में आया बच्चों, अब हम लोग इसी में जान लेते हैं फोकस दूरी क्या होती है, क्या होती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। प्यारे बच्चों क्या हम बता रहे हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, पी और एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, चाहे वो अवतल की हो चाहे उत्तल की हो। प्यारे बच्चों क्या बताना चाह रहे हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, चाहे अवतल की कहे चाहे उत्तल की कहे। बात यहाँ ये आती है कि एक की फोकस दूरी धनात्मक होती है, एक की ऋणात्मक होती है। प्यारे बच्चों यही चीज क्लियर नहीं कर पाते आप लोग बोर्ड के पेपर में जब बैठते हो, कि अवतल की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि उत्तल की होती है, कि उत्तल अवतल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज उस कंफ्यूजन को, आज उस समस्या का हम आप समाधान कर देंगे, एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से आप जान जाओगे कि अवतल की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि उत्तल की। और जब जान जाओगे तो बोर्ड पेपर में सवाल को लगा सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं, क्या हो रही हैं, प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं। अब आप बताओ
अब आपने क्या कहा कि एक बात आपको पता होना चाहिए कि सभी दूरियां कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। अभी आपको चिन्ह परिपाटी बताया जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा कि सभी दूरियां कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। अब बताओ, ध्रुव से इधर चलोगे तब तो आपको फोकस दूरी मिलेगी नहीं, ध्रुव से हमको यफ की तरफ जाना है, तो ध्रुव से यफ की तरफ जाने पर अब आप देखिए जा किधर रहे हो, जिधर प्रकाश किरणें चल रही थी, जिस दिशा में प्रकाश किरणें जा रही थी उस दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धनात्मक होती है। क्या ट्रिक है भैया? ट्रिक आप लोग पकड़ लीजिएगा, ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक क्या है? जिस दिशा में प्रकाश किरणें जाती हैं, प्रकाश किरणें चलती हैं, चल रही हूँ उस दिशा में मापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया, ये आपको ट्रिक है, ये आप आसानी से ये लगाकर किसी के फोकस दूरी को बता सकते हो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। और जस्ट इसके उल्टा भी होता है, अगर आप क्या करते हो कि प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं, देखो प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं और जो दूरियां हैं वो कहां से माप, दूरी जो नाप रहे हो वो विपरीत नाप रहे हो ना, जा तो इधर रहे हो आप, इधर दूरी माप रहे हो, तो इधर मापी गई दूरियां प्रकाश किरणें जिस दिशा में जाती रहती है उस दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये बात पता चल गया। क्या बात पता चल गया? कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये आपकी मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ये आपको यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होती है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उससे पहले प्रतिबिंब बनाने के नियम जानेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्यारे बच्चों, अवतल उत्तल के लिए दोनों के लिए अलग अलग नियम होंगे, तो आप एक तरफ क्या बना लेंगे, अवतल के लिए नियम सीख लेंगे और एक के लिए किधर समझ लेंगे भैया, उत्तल के लिए एक तरफ समझ लेंगे। तो ये हो गए, हम बना लेते हैं अवतल दर्पण के लिए दिखा देते हैं, और ये किसके लिए दिखा देते हैं प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए दिखा देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं उत्तल दर्पण के। तो प्रथम नियम समझते हैं, प्रथम नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, तीन नियम है, तीन नियम में से कोई दो नियम लगा के आप प्रतिबिंब बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि तीसरा लगाया जाए, आप तीसरा लगा भी सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले प्रथम नियम जानते हैं क्या होता है। तो प्रथम नियम क्या होता है कि एक आप अवतल दर्पण बनाइए, क्या बनाइए भैया, यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाइए, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, एक क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, यही आपका अवतल दर्पण है। चलिए, कैसे पता चला, कि पता चला जो बाहर की तरफ पॉलिश किया गया रहता है वो आपका क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और एक क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे, जो अंदर की तरफ पेंट किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उसके बाद इसी पर एक मुख्य अक्ष होती है जहाँ ध्रुव होता है और क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। फिर यही कहीं बेचारे क्या होते हैं, मुख्य फोकस होते हैं। अब यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे जहाँ पर ध्रुव होता है, फिर उसके बाद यही मुख्य फोकस होते होंगे और यही कहीं क्या होते होंगे, वक्रता केंद्र होते हैं। अब चलिए प्रथम नियम लगाते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, बच्चों यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं तो जब जाएंगी तो दर्पण से टकराएंगी, तो टकराने के पश्चात कहां से होकर लौटती हैं, मुख्य फोकस से होकर लौटती है। ये आपका पहला नियम है प्यारे बच्चों। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें
मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के पश्चात कहाँ से होकर लौटेंगी? मुख्य फोकस से होकर लौटेंगी। ये अवतल के लिए हुआ। फिर उत्तल के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, फिर से समझिएगा। उत्तल के लिए मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो तो आपका मुख्य फोकस कहलाता है, पर बात आती है नियम। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्यारे बच्चों अगर ये आप देखिए यहाँ से अगर इसको देख रहे होंगे तो क्या लग रहा है कि ये मुख्य फोकस से आ रही है ना। तो प्रथम नियम क्या है, जरा सा हमको लग रहा है कि हमने बहुत तेजी से आपको बता दिए, तो आइए जरा सा सोच समझ के सीख लेते हैं क्या होता है पहला नियम। देखिए प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य चीज है इसके जैसा चलने वाला प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद इसको जब ये लौटेगा तो लौटने का केवल एक रास्ता है, क्या है? मुख्य फोकस। तो पहला नियम हमारा क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी क्या है, जब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो दर्पण से टकराएंगी तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो अगर नियम लिखना चाहते हैं तो नियम हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। अवतल उत्तल दोनों के लिए हो गए, ठीक प्यारे बच्चों। अब आपके दूसरे नियम को समझाते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम, तो दूसरे नियम के लिए हम लोग भी क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं जिसको हम लोग बाहर की तरफ क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। फिर उसके बाद इधर के लिए क्या बना लेते हैं, उत्तल दर्पण बना लेते हैं। और ये क्या बना लिए, मुख्य अक्ष बना लिए। और ये कहीं क्या बना लिए आप, मुख्य फोकस बना लिए। और ये कहीं इसका क्या बना दिए, वक्रता केंद्र बना दिए। और ये इसके क्या हो गए, पी हो गए। ये कहीं क्या हो गए, एफ हो गए। और ये क्या हो गए, कहीं सी हो गए, ये हो गए सी। ठीक, थोड़ा सा इसको आप लोग दर्पण को बना लीजिएगा अच्छे से। अब क्या होता है ध्यान से समझिए, दूसरा नियम। इतनी देर तक मुख्य अक्ष के समांतर आपने कहा, यदि प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएं, वक्रता केंद्र से होकर जाएं। हमने क्या कहा, यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी तो ये जिस मार्ग से गई रहती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस मार्ग से आई रहती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से आई रहती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इधर इसके लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक। तो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, आपको क्या लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की ओर जा रही हैं। तो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आई रहती है या जिस मार्ग से आई रहती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्यारे बच्चों हम क्या बताएं, क्या बताया गया आपको कि यदि प्रकाश किरणें आपको लग रहा है कि वो वक्रता केंद्र की ओर जा रही हैं तो उत्तल दर्पण से टकराएंगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। ये आपके दो नियम हो गए। लास्ट तीसरा नियम क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, तब तक हम इसको रिमूव करते हैं। अगर आप दूसरा नियम लिखना चाहो बच्चों तो लिख सकते हैं, बोल दे रहे हैं लिख लीजिएगा। वक्रता केंद्र से होकर
जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस मार्ग से आई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ठीक, आ जाइए तीसरा नियम। क्या बच्चों? तीसरा नियम, लास्ट नियम क्या है? तीसरा नियम। तो प्यारे बच्चों, तीसरा नियम क्या होता है? सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। फिर उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे? प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे, जिसमें आपका क्या होता है? ध्रुव होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? मुख्य फोकस होते हैं। फिर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। फिर इस पर भी एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, जहाँ ध्रुव होते हैं, फिर क्या होते हैं? मुख्य फोकस होते हैं, फिर क्या होते हैं? वक्रता केंद्र होता है। प्यारे बच्चों, तीसरा नियम क्या होता है? यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से ना होकर कहाँ से होकर जाएं? मुख्य फोकस से होकर जाएं। यदि प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएं? मुख्य फोकस से होकर जाती है। यदि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अर्थात जैसे मुख्य अक्ष रहेगा वैसे प्रकाश किरणें भी हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझिएगा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। और इधर क्या होगा? इधर क्या होगा प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस की ओर जाती हुई, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्या बताया प्यारे बच्चों? हमने क्या बताया? मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से जब टकराएंगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो ये है भैया आपका तीसरा नियम। प्यारे बच्चों, इन तीन नियमों में से किसी दो नियम को लगाकर हम लोग सारे स्थितियों का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग आपके अगले टॉपिक में, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। किसके द्वारा भैया? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आप लोगों के इस हेडिंग से जब भी बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, चार नंबर के पूछे जाते हैं, आप किसी एक स्थिति को दे देगा और आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए कह देंगे और चार नंबर के प्रश्न आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए अवतल दर्पण की छह स्थितियों को प्रतिबिंब बनाना, कैसे प्रतिबिंब बनता है, आपको सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग सबसे पहले मानते हैं जब वस्तु कहाँ पर था। पहली स्थिति, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। कहाँ पर हो? अनंत पर हो। प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछ लेगा कि जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग क्या बनाएंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे। चलिए, बना लिए अवतल दर्पण, यही है ना अवतल दर्पण? चलिए, जब आप अवतल दर्पण बना लिए, अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। अब मुख्य अक्ष क्या होता है? जिस पे ध्रुव स्थित होता है। और क्या स्थित होते हैं? मुख्य फोकस स्थित होते हैं। और क्या स्थित होते हैं प्यारे बच्चों? वक्रता केंद्र स्थित होता है। क्या स्थित होता है? वक्रता केंद्र स्थित होता है। तो चलिए, वस्तु कहाँ पर रखा गया है? अनंत पर है। तो अनंत पता नहीं कहाँ पर है, तो हम मान लेते हैं अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ये अनंत
से आ रही थी प्रकाश किरणें, अब ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे पड़ रही हैं। ये अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ रही हैं। अब क्या होगा, आपने पहला नियम पढ़ा होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों कि दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहाँ पर होकर जाती हैं, मुख्य फोकस पर होकर जाती हैं। यानी अगर कोई वस्तु कहाँ पर रखा गया होगा, अनंत पे रखा गया होगा, ये कोई प्रेक्षण रहा होगा, ये कोई प्रेक्षक हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई लाइट सोर्स हो सकता है, तो ये मान लीजिएगा ये कोई यहाँ पर वस्तु रखा गया था, वो भी कहाँ पर रखा गया था, अनंत से। तो इससे जो प्रकाश किरणें निकल रही थी तो इसका जो प्रतिबिंब बना उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। प्यारे बच्चों देखिएगा, जब आप अनंत पे किसी वस्तु को रखते हो तो इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो जब दर्पण पे पड़ती हैं, दर्पण पे पड़ने के पश्चात जो उसका प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस पर बनता है। मैंने बताया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ दो किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं तो मुख्य फोकस पर बना। आप देखो वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब एकदम बिंदु रूपी बना है, तो लिखेंगे पहला क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पहला लिखेंगे प्रतिबिंब बिंदु रूपी बनेगा, क्या बनेगा, बिंदु रूपी बनेगा। प्यारे बच्चों दूसरा क्या लिखोगे, प्रतिबिंब कहाँ बना है, एफ पर बना है, एफ को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। प्यारे बच्चों तीसरा क्या बनाओगे, तीसरा आप क्या बनाओगे, प्रतिबिंब जो है वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्यों, क्योंकि दर्पण के सामने बना है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। लास्ट पार्ट इसका लिखेंगे, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो उल्टा बनेगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लिख दोगे तो आपको चार नंबर आपके बोर्ड पेपर में मिल जाएंगे। तो कहीं ये आपको समझ में आए प्यारे बच्चों। अब हम लोग दूसरी स्थिति लेते हैं, दूसरी स्थिति क्या है भैया, इसका दूसरी स्थिति क्या है प्यारे बच्चों, जब वस्तु ये अनंत पर न होकर कहीं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया जाए, या यहाँ 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 कहीं भी हम लोग रख सकते हैं वस्तु को, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, कहाँ हो भैया, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। चलिए अवतल दर्पण तैयार हो गया, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, एक मुख्य अक्ष बनाते हैं और उसी पे ध्रुव को बैठा देते हैं, और किसको बैठा देते हैं, मुख्य फोकस को। भाई साहब आप लोग बैठे रहो यहीं पर, ठीक। उसके बाद क्या है, अब जो ये वस्तु हम लोगों ने यहाँ रखा था, इस मार्कर को अनंत पे रखे थे, अब उस मार्कर को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो हम मान लेते हैं इनफाइनाइट यहाँ पर है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये कोई हम लोगों ने एक वस्तु रख दिए, इस वस्तु का नाम क्या है, ए और बी। तो चलिए पहला नियम लगाइए प्यारे बच्चों, पहला नियम हमने क्या बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आपने पहला नियम लगा लिया। दूसरा नियम प्यारे बच्चों क्या लगाओगे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें
जब दर्पण से टकराती थी तो टकराने के पश्चात जिस मार्ग से गई रहती थी पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती थी। तो ये देखिए, एक किरणें दर्पण से टकराई तो फोकस से होकर गई, एक किरणें वक्रता केंद्र से गई तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आई। तो ये देखिए, दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। तो इस बिंदु को हम लोग मिला देते हैं मुख्य अक्ष से। ये देखिए, जो प्रतिबिंब का ऊपर वाला भाग था वो प्रतिबिंब नीचे मिल गया, सॉरी जो वस्तु का ऊपर भाग था वो प्रतिबिंब का वो प्रतिबिंब में नीचे हो गए, और जो नीचे थे वो क्या हो गए, ऊपर हो गए। तो प्रतिबिंब का नाम रख दिया गया ए डैश बी डैश। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली बात बताओ प्यारे बच्चों, आप देख के बताओ प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। छोटा है या बड़ा है? तो भैया प्रतिबिंब क्या बना है? छोटा बना है। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा छोटा है ना। और वास्तविक बना है क्योंकि दर्पण के सामने बना है। और क्या बना है? उल्टा बना है प्यारे बच्चों। तो हम लोग देख के लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरा क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? उल्टा बनेगा। देख लीजिएगा, ये बी डैश नीचे है वो ऊपर थे। उसके बाद तीसरा क्या लिख दोगे? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और क्या लिखोगे बच्चों? चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब मुख्य फोकस और सी यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो ऐसे लिख दीजिएगा, प्रतिबिंब एफ व सी के बीच बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों स्थितियों के जो प्रतिबिंब थे ये हमने आपको समझा दिए। अब अगली स्थिति क्या हो जाएगी? यही वस्तु कहाँ पर पहुँच जाएगा? वक्रता केंद्र पर पहुँच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। चलिए, तीसरी स्थिति लेते हैं प्यारे बच्चों, जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। चलिए, कहाँ पर रख देते हैं? वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है प्यारे बच्चों? एक अवतल दर्पण सा बना लेंगे। एक अवतल दर्पण बनाएंगे तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? बाहर की तरफ पेंट कर देंगे, तभी तो अवतल दर्पण होगा। उसके बाद एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, उसके बाद इस पे ध्रुव बना देंगे, फिर का बना देंगे मुख्य फोकस बना देंगे, फिर का बना देंगे वक्रता केंद्र बना देंगे। चले, अब क्या करते हैं कि ये वस्तु कहाँ पर रखा गया है? वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा ना। तो चलिए, वस्तु को इस बार हम लोग कहीं और नहीं, कहीं नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ए और बी, पहला नियम लगाएंगे। क्या पहला नियम था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती है। फिर दूसरा नियम हम लोग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चों? कैसे जानेंगे कि हम दूसरा नियम यहाँ नहीं लगाना है? तो आप देखिए, प्रकाश किरणें ये जो वस्तु है वो आप वक्रता केंद्र पर रख दिए हो, तो वस्तु को जब वक्रता केंद्र पे रख दिए तो ये प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से थ्रू जाएंगी, अब आगे जाएंगी ना प्रकाश किरणें। तो तीसरा नियम लगाएंगे। तीसरा नियम क्या था? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाती थी? मुख्य अक्ष के क्या हो जाती थी? पैरेलल हो जाती थी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती थी? समांतर हो जाती थी। तो ये प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद जब लौटेंगी तो ये क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जब आप लोग स्केल का उपयोग करोगे और स्केल से बनाओगे तो बढ़िया सा प्रतिबिंब बनेगा और अच्छा भी लगेगा।
और हम लोग तो स्केल तो है नहीं, स्केल से बनाए नहीं जा रहे हैं, तो थोड़े से लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाएगी। तो आप इनके नियम को समझिएगा, तो ये जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वहीं वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या बताया आपका, ये देखिए ये आपका क्या बना, ये वक्रता केंद्र है, ये आपके क्या बन गए, प्रतिबिंब बन गए, ये बी डैश हो गए और ये क्या हो गया, ए डैश। तो ध्यान से समझिएगा, हमने पहला चीज़ आपको क्या बताया, पहला हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराई तो मुख्य फोकस से होकर गई। तीसरा नियम लगाया, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटी वहीं वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब बताओ प्यारे बच्चों, जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, सी पर बना है। कहाँ पर बना है, सी पर बना है। और कैसा बना है, वस्तु के सेम टू सेम डिट्टो वाला, वस्तु के बराबर बना है, वस्तु के बराबर बना है। और क्या बना है, वास्तविक बना है। और क्या बना है, उल्टा बना है। क्या बना है, उल्टा बना है। तो प्यारे बच्चों लिख लेते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक प्यारे बच्चों, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखते हैं प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बना है बच्चों, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तीसरा पॉइंट लिखते हो बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र पर बना लिए। कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब क्या बना है, वास्तविक बना है। क्या बना है, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। लास्ट पॉइंट, प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, उल्टा बनेगा। चलते हैं अगली स्थिति पे, जब वस्तु वक्रता केंद्र से हटकर इनके बीच में आ जाता है तो क्या लिखेंगे। चौथी स्थिति है, जब वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच हो, के बीच स्थित हो। ठीक, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक, ये अवतल दर्पण तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, इस पे ध्रुव को बैठा देते हैं और यहाँ मुख्य फोकस को बैठा देंगे और यहाँ वक्रता केंद्र को बैठा देंगे। ठीक, कहाँ पर रखे हो, देखो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो इस बार वस्तु कहीं नहीं और करीब आ गए इन दोनों के बीच में, तो इनका नाम ए हो गया और क्या नाम हो गया, बी। तो पहला नियम लगाओ प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब उसके बाद तीसरा नियम क्या लगाओगे बच्चों, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात कहाँ पर होकर जाती हैं भैया, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। तो ये देखिए, जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या बन जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से इसको समझिएगा, पहला नियम हमने क्या बनाया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराएंगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। फिर तीसरा नियम लगाया, मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से जब टकराती हैं तो टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटी हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप देखिए, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो क्या है, ये बी डैश है, ये क्या है, ए डैश है। तो ध्यान से समझिएगा आप क्या लिखोगे, इसे जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा है नहीं, वस्तु से क्या है, बड़ा है। और क्या बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र से हटकर या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक, तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, बड़ा बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब वस्तु से
बड़ा बनेगा, फिर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक प्यारे बच्चों। और उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका क्या होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत के बीच बनेगा। ये है प्यारे बच्चों आपका इस प्रकार, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके दो स्थिति और बचे हैं अवतल दर्पण में। चलिए इस बार हम लोग इसी वस्तु को उठा के यहाँ पर रख देंगे मुख्य फोकस पर। तो पांचवी स्थिति लाते हैं, पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, कहाँ पर हो, मुख्य फोकस पर हो। चलिए क्या बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं, क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये इसकी क्या होती है, ध्रुव होती है, और ये इसकी क्या होती है, मुख्य फोकस मान लेते हैं, ये कहीं क्या मान लेते हैं, वक्रता केंद्र मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वक्रता केंद्र हो गया, कहाँ स्थित है वस्तु, मुख्य फोकस पर यार, अपना मुख्य फोकस इसी पे वस्तु को रख दो, कहीं और नहीं लेके जाना है। ए और बी हो गए, पहला नियम लगाओ जरा सा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं ना, कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो हमको पहले से नियम पता था, आपको भी पता हो गया होगा प्यारे बच्चों। दूसरा क्या लगाओगे, अब मुख्य फोकस पर जब इसको रख ही दिए हो तो ये मुख्य फोकस से तो प्रकाश किरणें जाएंगी नहीं, तो हम लोग दूसरा नियम लगा लेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जब ये दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात कहाँ पर जाती हैं भैया, दर्पण से टकराने के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। तो आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि इन दोनों किरणों को अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाए तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे को ज़रूर काटेंगी, तो पता नहीं कहाँ पर काटेंगी, तो जहाँ पर काटेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हम बता देंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो जरा से इमेजिन करो, अगर मान लो यहीं पर काटी होती तो तब वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बन जाता, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ तो बन नहीं रहा, अभी और आगे बनेगा। तो हम यहाँ बता सकते हैं, क्या बताएंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, काफी बड़ा बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्यारे बच्चों ये हो गए आपकी पांचवी स्थिति। लास्ट स्थिति है जो कि जरा सा और ये सबसे ज्यादा सरल स्थिति है, आइए देखते हैं क्या होता है। जब वस्तु कहाँ पर रखते हो जानते हो, जब वस्तु फोकस से हटाकर इन दोनों के बीच में, जब वस्तु यफ व पी के बीच में हो, यफ व पी यानी फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो चलिए बना लेते हैं, क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। फिर उसके बाद ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये पोल हो गए, और ये ध्रुव फोकस हो गए, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। इस बार वस्तु और कहीं नहीं रखना है, इन दोनों के बीच में रखना है, इन दोनों के बीच में आप रख दीजिए, ये आपकी कोई वस्तु हो गई ए, और क्या हो गया बी। तो पहला नियम लगाओ प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। फिर दूसरा क्या, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें
सीधे उसी मार्ग में वापस निकल जाती है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों किरणें आगे कहीं पर मिलेंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे ये एक दूसरे से दूर हटती चली जाएंगी। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ाते हैं। तो इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे से जाके मिल जाती हैं। तो जहाँ पर मिलती हैं वहीं वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है इसलिए क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और ए डैस सॉरी बी डैस और क्या बनेगा, ए डैस बनेगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिख देंगे प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्या बनेगा भैया, आभासी बनेगा। दूसरा पॉइंट, आभासी क्या, दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए जैसा इसका मुख ऊपर था वैसे वहां पर भी है। तीसरा क्या लिखोगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। लास्ट पॉइंट, दर्पण के पीछे सीधा आभासी बन गए और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। किससे बड़ा बनेगा, आप लोगों से नहीं, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार अवतल दर्पण की छह स्थितियां समाप्त हो गई है। अच्छे से पढ़िएगा, कोई एक या दो आपको पूछ लिए जाएंगे और आपके बोर्ड पेपर में चार नंबर से कम ये क्वेश्चन नहीं पुट अप किए जाते। तो प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब हम लोग बताते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आपकी उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किसका बनना भैया, प्रतिबिंब का बनना। ठीक, ये है। चलिए तो हम लोग दोनों स्थितियां एक ही साथ में समाप्त कर लेते हैं। एक बार पहली स्थिति, जब वस्तु कहाँ पर था, अनंत पर था। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। और दूसरा कहाँ पर हो, जब वस्तु, ठीक, आपका जब वस्तु कहाँ पर हो भैया, मुख्य फोकस, क्या हो, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F व ध्रुव, ध्रुव के बीच, ध्रुव P के बीच हो। तो इस बार आप लोगों को उत्तल दर्पण बनाना है, अवतल दर्पण नहीं बनाने हैं। तो उत्तल दर्पण बनते कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बनाया है कि जिसको हम लोग अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्तल दर्पण। उसके बाद इसी में क्या बना देंगे, मुख्य अक्ष, ये क्या हो गई, ध्रुव हो गई, ये क्या हो गए भाई साहब, यहाँ मुख्य फोकस हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, ये इसके क्या हो जाते हैं, वक्रता केंद्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वक्रता केंद्र हो जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, वो क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होने चाहिए। तो आइए सबसे पहला रखते हैं, जब वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत के बीच में होगा। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो कहाँ होगा, मान लीजिएगा कि ये कोई वस्तु था, ये कोई वस्तु थे, और ये वस्तु कहाँ पर थे, अनंत पर थे। तो पहला नियम आप क्या लगाते थे, पहला नियम आप लगाओगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराएंगी, तो टकराने के पश्चात कहाँ से होकर आती थी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती थी। आप उत्तल के लिए नियम खोलिए तो उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, थोड़ा सा इसको दूर कर लो यार, मुख्य फोकस को दूर कर लो, यहाँ कर लो, ठीक। अब तो ये क्या होती है, मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती, ऐसे हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, ये पहला नियम लगा लिए। एक नहीं कोई दो प्रकाश किरणें और गुजार लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाश किरणें और गुजर जाएंगी तो ये भी क्या होंगी, ऐसे वापस लौट जाती हैं, और ये भी कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से ही होकर आती हैं। तो
तो ये दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। यानी अगर वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सीधा बनेगा। और क्या बनेगा? आभासी बनेगा। क्यों आभासी बनेगा? क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे प्रतिबिंब बिंदु रूपी बनेगा। क्या बनेगा? बिंदु रूपी बनेगा। और दूसरा क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। तीसरा पॉइंट लिखते हैं प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या सॉरी सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और क्या लिखते हैं? तीन हो गए। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। ये रही उत्तल दर्पण की पहली स्थिति प्यारे बच्चों। दूसरी स्थिति आप लोगों की क्या है? दूसरी स्थिति आप लोगों को कह रहे हैं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच ना होकर, ये थोड़ी सी स्थिति आप लोग सुधारिएगा, यहाँ पर क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अनंत। अनंत व ध्रुव के बीच, अनंत व ध्रुव के बीच में हो। तो चलिए हम लोग क्या बनाते हैं? उत्तल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण को अंदर की तरफ पेंट किया जाता है, ठीक। और ये मुख्य अक्ष बना लिए। ये क्या हो गई? ध्रुव हो गई। ये क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गए। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गए। तो इस बार वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर रख दीजिए, कहीं भी कोई भी स्थिति ला दीजिए। अब क्या लगाओगे? पहला नियम आप लगाओगे। पहला नियम क्या है भैया प्यारे बच्चों? इसका ए नाम और बी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर आती, कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आपने पहला नियम लगा दिया। दूसरा नियम क्या लगाओगे? वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें जिस मार्ग से गई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती। ये देखिए ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं? यहाँ पर काट रही। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब ये बनेगा ए डैश और क्या बी डैश। तो आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बना है। वस्तु से छोटा बना है। वस्तु से छोटा बना है, सीधा बना है और आभासी बना है। तो पहला पॉइंट लिख देंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा भैया? छोटा बनेगा। दूसरा क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? आभासी बनेगा। और तीसरा क्या लिखेंगे इसमें? तीसरा क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भैया? सीधा बनेगा। क्या लिखेंगे? सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, यफ व पी के बीच बनेगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार उत्तल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब बनाना आप लोगों ने सीख लिया। बचे इस चैप्टर में 1, 2, 3, 4, इन चार टॉपिकों का अध्ययन हम लोग अगले क्लास में करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे आपके प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो तब तक धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं अपने इन टॉपिकों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।